नमस्कार। 16 साल की दोस्ती पर भारी पड़ी 3 साल की सियासी दुश्मनी, अब सिंधिया के निशाने पर सीधे राहुल गांधी। राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की 16 साल पुरानी दोस्ती पर 3 साल की सियासी दुश्मनी आखिरकार भारी पड़ गई। अभी तक कांग्रेस को निशाने पर लेने वाले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब सीधे राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। सिंधिया ने हाल ही में आए 3 राज्यों के चुनाव परिणाम का राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते हुए हार का ठीकरा फोड़ दिया। सिंधिया ने यह तक कह दिया कि आने वाले भविष्य कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा ही नहीं, कहा नहीं जा सकता। सिंधिया ने कहा कि राहुल गांधी को पूरे देश ने नकार दिया है, तीनों राज्यों के परिणाम बता रहे हैं कि देश में उनकी अब क्या हैसियत है। धन्यवाद।